भोपाल में शनिवार देर रात निषादपुरा में एक कबाड़ गोदाम में अचानक आग लग गई। देर रात लगी इस आग ने कुछ ही समय में भयावह रूप धारण कर लिया। इस दौरान कबाड़ गोदाम के ऊपर बने एक घर में कुछ लोग फंस गए थे। आग और लोगों के फंसे होने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तुरंत वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद फंसे हुए लोगों को पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल रेस्क्यू किया। दरअसल बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर दो पैरालाइज बुजुर्ग, एक महिला और एक अन्य व्यक्ति फंस गए थे, जिसके बाद साहसी पुलिस कर्मियों ने इंतजार किए बिना एक सीढ़ी मंगवाई और फिर पुलिस कर्मी फंसे हुए लोगों को अपने कंधे पर ही लाद कर नीचे लेकर आए। यहाँ पे मौके पे आया, देखा तो बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लगी थी और तीसरे मंजिल पे एक परिवार रहता है। उस परिवार में बच्चे, दो पैरालिसिस पेशेंट मौजूद थे। उनको जो है मस्जिद से सीढ़ी बुलवा करके और उनको निकलवाया गया तथा कंधे में सहारा लेके निकलवाया गया और नीचे निकलवाया। काफ़ी हमारे जवानों ने काफ़ी मेहनत और जान जोखिम को ले करके मेहनत किया और उनको उतरवाया। इसके बाद फायर ब्रिगेड बुलवा के करीबन 10 फायर ब्रिगेड आई और आग बुझवाई गई। अभी लगातार आग में जो है धुआं उठ रहा है, उसको फायर ब्रिगेड के कर्मचारी द्वारा भी अत्यधिक लगन और मेहनत से कार्य किया गया है, वो भी बधाई के पात्र हैं और अभी आग बुझाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये आग करीब रात 3 बजे के आसपास लगी, इसके बाद आग बुझाने के लिए करीब 10 फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इस दौरान भी पसीने से लथपथी जाबाज पुलिसकर्मी दमकल विभाग की सहायता में जुटे रहे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आग लगी होगी, लेकिन पुलिसकर्मियों की सूझबूझ और जाबाजी के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।